सदर बागवान बिरादरी के सदर हाजी मोहम्मद आजम शेख साहब, डीपी सावंत जी, आमदार उत्तर नांदेड़ फारूक अली खान जी, शमीम अब्दुल्ला जी, अब्दुल हाफिज भाई, अब्दुल जलील शेख, अब्दुल हमीद भाई, साबिर चाउस, किशोर स्वामी, अमर जावेद, हाफिज भाई, तमाम बिरादरी के सभी यहाँ पर इकट्ठा हुए मान्यवर भाइयों बहनों और साथियों, मैं माफी चाहूंगा कि आने में देर हुई। उस वक्त और कई प्रोग्राम आपके बगल में ही चल रहा था और मुझे आने में देरी हुई। तो सबसे पहले तो मैं बागवान बिरादरी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करूंगा, आज इतनी बड़ी तादाद आप यहाँ मौजूद हैं। बागवान बिरादरी नांदेड़ में ही नहीं, पूरे देश भर में ऐसी बिरादरी मानी जाती है जो लोगों को, चाहे वो फ्रूट हो, तरकारी हो, जो भी हो, उसको सप्लाई करने का काम, देश की उन्नति और विकास में सबसे बड़ा योगदान अगर किसी का होगा तो हमारे बागवान बिरादरी का। और इसीलिए मैं बागवान बिरादरी के हमारे सभी सदर हो या बाकी के लोगों का भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करूँगा कि आपने मुझे यहाँ पर आज याद किया और चंद शब्द आपके सामने कुछ मैं कह सकूँ उसका मौका मुझे आपने दिया। आज होली का त्यौहार है और मैं समझता हूँ 5 साल पहले होली के त्यौहार में ही फंक्शन हुआ था, पता नहीं होली का और बागवान बिरादरी का क्या रिश्ता है, मुझे पता नहीं। और आज आपने ये खुशी के मौके पर सबको याद, हम सबको याद किया। दोस्तों, मुझे पता है कि कल मसाइलों से आप लोग गुजर रहे हैं और हमारा भी ये प्रयास है कि इस सब मसाइलों को इसमें रास्ता निकाला जाए, इसमें कुछ ठीक से फैसला किया जाए ताकि आपकी परेशानी जितनी हो जल्द से जल्द निकाल दूर करने के लिए हमारा प्रयास है। और इसीलिए जब हमारी तरकारी का फ्रूट मार्केट तो अभी टेम्पररी नहीं बैठा, तरकारी वालों की कोई शिकायत नहीं थी, जगह नहीं मिल रही थी, तो बल्दिया के जो पुराने दुकान थे उसी में कुछ एडजस्टमेंट करके लोगों को टेम्पररी बिठाया गया है। कुछ लोगों को दुकानें नहीं मिली, शिकायतें मेरे पास आ रही है, उसमें भी मैं ध्यान जरूर दूंगा, आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं। नांदेड़ के लिए चाहे वो फ्रूट हो, आलू हो या तरकारी हो, ये सभी मार्केट को एक बड़ी जगह की आवश्यकता है ताकि आप सुकून से आपका कारोबार कर सकें और कोई आपको परेशानी न उठानी पड़े, ये मैं जानता हूँ और मेरी मदद करने की पूरी भावना। दोस्तों, आज जिस चीज़ के लिए हम यहाँ पर आए हुए हैं, देश की हुकूमत का मामला है, देश किसके हाथ में सौंपना है ये मामला है, और उन फिरकापरस्त ताकतों को आज हम सब इकट्ठा रहेंगे तो हम उनको नाकामयाब करने में हम जरूर कामयाब हो सकते हैं अगर वे काम करते हैं। मैंने कई जगह उसका जिक्र किया, आज सरकार तय करती है आपने क्या खाना है, आज सरकार तय करती है कि आपने क्या पहनना है, आज सरकार तय करती है आपने क्या बोलना है। इतनी पाबंदी देश के कभी 50-60 साल के इतिहास में कभी लगी नहीं थी, जो आज हर वो माइनॉरिटी का शख्स महसूस करता है किन तकलीफों से आज हम लोग गुजर, आप भी नहीं, देश का हर आज़ाद इंसान ये बात को महसूस कर रहा है कि किन तकलीफों से हमको गुजरना पड़ रहा है। किसानों का मामला आपने देखा कि किसान जिससे आप फ्रूट खरीदते हैं वो किसान आज आत्महत्या कर रहा है, 14-15-15 हज़ार से भी ज़्यादा किसानों ने इस देश में, इस महाराष्ट्र में आत्महत्या की, देश में 50 हज़ार से ऊपर संख्या चली गई। नौजवान साथियों को ये कहा गया था हर साल आपको 2 करोड़ आपको हम रोजगार देंगे, 2 करोड़ नहीं दे सके, 5 साल में 2 लाख भी नहीं दे सके, और आज कहते हैं कि नौकरी नहीं मिली तो रास्ते पे खड़े रहेंगे, पकौड़े तलने का काम करो, पकौड़े बेचो, ये बात कर कहते हैं। आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से आज हमको इस रास्ते पे ले जाकर हमारी मजाक उड़ाई जाती है, अगर मैं कहूँगा तो गलत नहीं।
ये नहीं कई चीजें हैं। देश हमारा देश एक आजाद देश है, देश की तरक्की होनी चाहिए। तो देश में फिरका प्रस्त अगर ज्यादा पैदा कर हिंदू मुसलमानों में दलितों में आज दरार पैदा कर नुकसान करने वाले होंगे दोस्तों। ये सरकार किसी की काम की नहीं, ये सरकार से किसी को फायदा नहीं। अपना ये तो कह रहे हैं कि मैं देश का चौकीदार हूँ, देश का चौकीदार। लोग कह रहे हैं देश के चौकीदार ने इतना कुछ माल हजम किया है कि देश का चौकीदार। लोग कह रहे हैं कि चोर है आज, चौकीदार चोर नहीं है, देश का चौकीदार। चौकीदार बेचारा हमारा ईमानदार है, हमारा गली में घूमने वाला चौकीदार तो ईमानदार है, पर जिसके हाथ में देश की हमने चाबियां दी थी वो चौकीदार की बात मैं करूंगा कि जिन्होंने आज देश को तबाह करके देश को ऐसे चौराहे पे लाके छोड़ा है। न किसी की सुनवाई होती है, न किसी को बोलने की इजाज़त है, न किसी को काम करने की इजाज़त है, और गरीब गरीब रहते जा रहा है। आपको बैंकों से पैसा नहीं मिलता है, बैंकों का पैसा उठाकर करोड़ों रुपए लेकर भाग जाने वाले बड़े बड़े उद्योगपति है, उद्योग पर कुछ कार्रवाई होती नहीं है, बदकिस्मती से ये कहना पड़ रहा है। तो दोस्तों ये कई चीजें हैं जिसके लिए मैं समझता हूँ मेरे से ज्यादा आप वाकिफ है कि किन हालातों में आज देश गुजर रहा है। नांदेड़ की बात, मैं नांदेड़ के लोगों का शुक्रिया अदा करूंगा। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि नांदेड़ के लोगों ने मुझे 80,000 वोट से चुन कर लिया। मैं नांदेड़ के लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपको समझदारी से आपने काम किया। और 5 साल पहले भले देश में कुछ दूसरा हुआ होगा, पर नांदेड़ के लोगों ने नांदेड़ का फैसला जो किया वो सही किया, जिसके वजह से आज हम नांदेड़ में सुरक्षित महसूस करते हैं। शिकायतें हैं जरूर, पर जरूर हम कहेंगे कि देश पहले बाद में सब चीजें। और इसीलिए हमारी आपसे गुजारिश, चुनाव आज नजदीक आया और चुनाव का ऐलान हो चुका है। चुनाव में ऐसे कुछ लोगों को बीजेपी जानती है कि आपके वो लोग वोट बीजेपी को नहीं मिलने वाले, वो जानते हैं। तो क्या करेंगे, हम अपने ही कौम से अपने ही बिरादरी से कुछ ऐसे लोगों को काम में लगा दिया है कि कांग्रेस को वोट नहीं मिलता है तो दूसरे किसी को वोट दो। दूसरे को मदद करना मतलब फायदा बीजेपी का होने वाला है, समझ लीजिए। आपका हिसाब सीधा है, आप सब हिसाब किताब रोज लिखते कितना कितना हुआ, 50 रुपया हो गया, 500 रुपया हुआ, 1,000 रुपया हो गया। वो 1,000 रुपये में से 200 रुपये कोई दूसरा लेके गया तो फायदा होने वाला किसको, 700 रुपये वाला का फायदा होगा। हम 1,000 रुपये कमाने के बाद में हमारे वोट अगर तकसीम हो जाते हैं तो हमारा वोट दूसरी तरफ जाता है और फायदा बीजेपी को। ये सीधा हिसाब है। मैं तो कहूँगा इस बात को आपको गौर से ध्यान देना है। ऐसे कुछ जनता को दोस्त, मैं मजाक में वहाँ कह रहा था, हमारे कुछ ऐसे साथी हैं जो 5 साल हमारे साथ में रहते हैं, चुनाव आया कि भाग जाते हैं, 5 साल हमारे साथ रहते हैं, चुनाव आया कि भाग जाते हैं, और चुनाव खत्म होने का फिर वापस आ जाते हैं। ऐसे कुछ लोगों से हमको थोड़ा सा ख्याल रखना है। ये लोग हमें गुमराह करके हमारे वोट अगर कोई लेता होगा तो नुकसान आपका है। कोई कहता है अशोक चव्हाण ऐसा है, अशोक चव्हाण आज हर चीज ऑडियो क्लिप वीडियो क्लिप और पता नहीं सोशल मीडिया पे क्या क्या हो रहा है, अशोक चव्हाण ऐसा है, अशोक चव्हाण। अरे अशोक चव्हाण जो है वो लोगों के सामने है, किसी को बोलने की जरूरत नहीं। जो भी हो गया ऐसे कुछ चीजों को लोगों के सामने पेश करने के प्रयास होता है जिसके वजह से एक गलत फहमी निर्माण हो। आपके वोट चाहे वो 1,000 वोटों में से 200 वोट भी खराब हो जाते हैं तो फायदा सीधा बीजेपी को होता है, उनको फायदा होगा। मेरा ये कहना है भले कोई कौम के नाम पे आएगा, कोई बिरादरी के नाम पे आएगा, कोई गली में रहता हो उसने आपके पास आएगा और आपके वोट लेने के लिए हर तरीके से बातें कही जाएंगी। अलग झंडे के नाम से आएंगे, अलग आज तो झंडे बहुत चुनाव जैसे आए तो झंडे के ऊपर झंडे दिखाई देते हैं, हमें इतने झंडे होंगे। तो दोस्तों इन झंडों से जो पंजे को छोड़ के बाकी के झंडे हैं उनको थोड़ा सा ध्यान दीजिए। आज हम तकरीबन 9 पार्टियों को इकट्ठा किया, हमारे वोट तकसीम ना हो इसलिए हमने 8 से 9 पार्टियों को इकट्ठा किया। मैंने कहा भाई तुमने 1 सीट ले लो, तुम 2 सीट ले लो, पर गठबंधन में आ जाओ, गठबंधन में इसलिए आ जाओ कि आप भी जीते हम भी जीते, मिलकर हम काम करेंगे, पर हमारे वोट दूसरी जगह तकसीम मत होने। जो तकसीम अगर हो जाते हैं तो फायदा शिवसेना का होता है, फायदा बीजेपी का होता है। और आप जानते हैं शिवसेना बीजेपी इस देश का कैंसर है, जिसके वजह से इस देश में आपको इस बीमारी से आज जाना पड़ रहा है। इसको थोड़ा सा संजीदगी से सोचने की जरूरत है, वरना नुकसान होगा और उस नुकसान को 5 साल तक हमें सहना पड़ेगा। 5 साल के बताने बाद में कौन है क्या है ये बोलना मुश्किल है। देश सुरक्षित रहे,
देश उनके हाथ में रहे, कांग्रेस के हाथ में अगर रहता है, आपकी सुरक्षा की गारंटी मैं लेता हूं, ये मैं कहना चाहूंगा। हम क्या चाहते हैं? हम सुकून चाहते हैं, हम बिजनेस चाहते हैं, हम हमारी ईमानदारी से रोजी रोटी चाहते हैं, इससे ज्यादा हमें क्या चाहिए? मैं समझता हूँ इसकी गारंटी देने का काम हम हमारी कांग्रेस पार्टी देगी, मैं जरूर कहना चाहूंगा। हमारे मुस्लिम भाइयों के कई मसाइल हुए हैं, कई मसाइल अभी बाकी होंगे, जरूर इसके ऊपर गौर किया जा सकता है, पर आज उन चीजों पे जिक्र कोई भी करता होगा तो ये वक्त वक्त का तकाजा है कि हम एक हो जाएं, हम एक होकर मिलकर काम करें, और भाजपा और शिवसेना की दोनों की पार्टी को हम शिकस्त दें और कांग्रेस को चुन कर देके कामयाब करें। ये मैं आपसे दोस्तों गुजारिश करूंगा, क्योंकि आपके नमाज का वक्त मैं समझता हूँ 8:15 का है, तो मैं ज्यादा वक्त लेना मुनासिब नहीं समझूंगा। एक छोटी मीटिंग का मैं सदर साहब का शुक्रिया अदा करूंगा, इन्होंने आपका कीमती वक्त दिया, मुझसे उनकी बात होते रहती है और मैंने उनसे बिल्कुल वादा किया है भगवान बिरादरी के जो भी मसाइल है उसमें जरूर ध्यान दिया जाएगा, इतना मैं जानता हूँ। फिर एक बार आप सबका तय दिल से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। जय हिंद, जय महाराज। प्रोग्राम के